अर्थ माने जिससे क्लेश की निवृत्ति होती है। भूख लगी है तो पैसा रहने से होटल से कुछ खरीद सकते हो, भूख की निवृत्ति होगी, क्लेश की निवृत्ति होगी। तो पैसा से क्लेश की निवृत्ति हुई इसलिए पैसा को अर्थ कहेंगे, जिस चीज से क्लेश की निवृत्ति हो। यह तुम लोग जानते हो कि निवृत्ति भी दो प्रकार की है, एक सामयिकी की निवृत्ति और एक अत्यंतिकी की निवृत्ति। सामयिकी की निवृत्ति होने से उसको कहते हैं अर्थ, जैसे भूख लगी पैसा लियो होटल से कुछ खरीदा, तो भूख की निवृत्ति हुई तो पैसा हुआ अर्थ। मगर कल भी तो फिर भूख लगेगी, परसों भी तो फिर भूख लगेगी, तो भूख की तो स्थायी निवृत्ति नहीं हुई, सामयिकी निवृत्ति हुई, टेम्पोररी निवृत्ति हुई, इसलिए पैसे को कहेंगे अर्थ। और जिससे दुख की स्थायी अत्यंतिकी निवृत्ति होती है उसको कहते हैं परम अर्थ, परमार्थ। तो अर्थ मतलब पद जो है उसी को कहते हैं परार्थ, अर्थात जिस वस्तु का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से जो अर्थवाही है, अर्थात जिसका कुछ ना कुछ यूटिलाइजेशन है इस विश्व में, हर चीज का यूटिलाइजेशन है, जिसको हम बीज कहते हैं उसका भी क्या है, औषधीय व्यवहार है, मेडिसिनल यूज है। ऐसे भी बहुत चीज है जिसको आज हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, पेड़ पौधे पीछे रिसर्च करके देखा जाए उसमें बहुत बड़ा गुण था, मेडिसिनल और मेडिसिनल क्यों और भी किसी भी ना किसी प्रकार का गुण था जो पहले हमें मालूम नहीं था, हम नेग्लेक्ट कर रहे थे। तो दुनिया में ऐसा कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है जिसका अर्थ नहीं है, अर्थात जो किसी ना किसी प्रकार से तुम्हारा क्लेश दूर जो नहीं कर सकता है। तो इसलिए हर एक्सप्रेस वस्तु वो क्या है, एक्सप्रेस वस्तु एक्सप्रेशन में भी बात है कि एक्सप्रेशन केवल जो फिजिकल हो सो नहीं, साइकिक एक्सप्रेशन भी तो एक्सप्रेशन है। इसलिए फिजिकल हर साइकिक और हर फिजिकल एक्सप्रेशन को ही हम संस्कृत भाषा में कहेंगे पदार्थ। अब ये जो पदार्थ है और भव है, ये दोनों किंतु हूबहु एक चीज नहीं है। संस्कृत भू धातु अल प्रत्यय करके भव शब्द निष्पन्न होता है, अतः भव माने होना, पैदा होना, उत्पन्न होना, दुनिया में आना। किंतु यह जो भव है ये फिजिकल एग्जिस्टेंस के साथ संबंधित, अर्थात छिट्यप्तेज्म, यह जो पांच तत्व नहीं रहने से भव निष्पन्न नहीं होता है, पांच में कम से कम एक रहेगा, अर्थात फिजिकल प्लेन में उसको आना पड़ेगा तब उसको भव कहेंगे, नहीं तो भव नहीं कहेंगे। परम तत्व फंडामेंटल एलिमेंट और फंडामेंटल प्रिंसिपल रूडिमेंटल प्रिंसिपल जब कौशिकी शक्ति के साथ है, वहां एक्सप्रेशन है प्योरली थियोरेटिकल। जब भैरवी शक्ति के साथ है वहां एक्सप्रेशन है साइकिक लेवल में, फिजिकल प्लेन में आता नहीं है। किंतु जहां भवानी शक्ति के साथ है वो फिजिकल प्लेन में आ जाता है। तो फिजिकल प्लेन में जब आ गया, भवानी शक्ति के साथ परम तत्व संबंधित है, वहां भवानी तत्व के साथ रहने के कारण उनका भी नाम हो जाता है भव। शिव का एक नाम है भव, स्त्रीलिंग में भवानी, भव शंकर। तो अर्थात जो फिजिकल प्लेन में आए उतर गए, अब लोग जो कहते हैं ना कि भव जंत्रणा, भव सागर, भव सागर के पार जाना चाहते हैं, भव शब्द का लोग व्यवहार करते हैं। यहां भव माने क्या ना, दुनिया में यह जो आना जाना, भव माने होना। और कहा गया था कि ये होना या क्या ना पूरा समूचा पदार्थ लेके काम इसका नहीं है, फिजिकल प्लेन में इसका मतलब एक ना एक आइटम इसमें रहना ही पड़ेगा। को एलिमेंटल एलिमेंट्स जो है उनमें कोई एक इसमें अवश्य रहेंगे, और एक रहने से बाकी चार
अप्रत्यक्ष रूपेण अवश्य रह जाता है। स्थिति है तो बाकी चार भी अप्रत्यक्ष रूप में रह जाता है, तो रह जाएगा। तो इसलिए भाव जहां है वही है प्रपंच। क्षिति तेज मनुष्य भूमि पांच से, पांच के समाहार से जो वस्तु बनती है, पांच के समाहार से बना इसलिए उसको कहते हैं प्रपंच, कलेक्शन ऑफ फाइव। क्षिति तेज मनुष्य भूमि, इस दुनिया के लोग बोलते हैं प्रपंच में, प्रपंच प्रपंच का ही माने। तो वैयक्तिक जीवन में तब भाव क्या है, मनुष्य का कर्म अगर थोड़ा सा भी बाकी रह गया, फिजिकल स्ट्रेटम का हो चाहे मेंटल स्ट्रेटम का हो, थोड़ा सा भी बाकी अगर रह गया तो उसके एक्सप्रेशन के लिए फिजिकल प्लेन की जरूरत है। जैसे देवयोनी जिसको कहते हैं, गंधर्व, किन्नर, विद्याधर, ये जो सब होते हैं, यक्ष, तो इन सबों का क्या होता है, फिजिकल पांचभौतिक शरीर नहीं है किंतु माइंड है, और माइंड के साथ दो, एक दो तीन या चार भूत अवश्य हैं। पांच भूत रहने से ही परिदृश्यमान जगत का जीव बन गया। भूत एक या दो या तीन या चार अवश्य रहेंगे, अर्थात उनकी जो पैदाइश होती है वो भी भाव से संबंधित, भाव के बाहर नहीं। इंटेलेक्चुअल लेवल में, मेंटल लेवल में मान लो कुछ भी एक्शन किया गया है मगर उसका रिएक्शन हम नहीं पाए, मन में बैठ के 24 घंटा कर रहे हो अच्छा फलाना, अच्छा मुझसे उसने दुश्मनी की थी, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उसने दुश्मनी की थी, मन में भी सोच रहे हो। अच्छा यह जो सोच रहे हो उनकी खराबी करना चाहते हो कि तो हो सकता है उसने जो कुछ भी किया था वो ठीक दुश्मनी नहीं, तुम अन्याय कर्म किए थे इसके कारण जो चाहिए उसने किया था, कि तुम ऐसा सोच रहे हो। तो होता है कि मन में ओरिजिनल एक्शन तुम कर रहे हो और वो एक्शन रिफ्लेक्टेड नहीं हो रहा है। एक दिन ना एक दिन रिफ्लेक्टेड तो होगा, अनवार्ड आगे कोई नहीं बढ़ सकता है, तो एक दिन ना एक दिन रिफ्लेक्टेड होगा। जब रिफ्लेक्टेड होगा कहां रिफ्लेक्टेड होगा, तुम्हारे मेंटल प्लेन में। तुम्हारे मेंटल प्लेन में जब रिफ्लेक्टेड होगा वो रिफ्लेक्शन के लिए तुम्हारा ब्रेन चाहिए, क्रेनियम चाहिए, बॉडी चाहिए, अर्थात फिजिकल प्लेन में तुमको आना ही पड़ेगा उस रिफ्लेक्शन के लिए। इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट रिफ्लेक्शन यू हैव टू कम अवे इन दिस फिजिकल प्लेन। तो मान लो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन, थोड़ा सा थोड़ी सी तरंग, मान लो एक सेकंड के लिए कुछ खराब सोचे थे तो उसका जो रिफ्लेक्टरी उसको इनवाइट करने के लिए, उसके आधार बनने के लिए फिजिकल प्लेन में दोबारा आना पड़ेगा। तो वही जो मिनिमम रिएक्शन जो अनसेटिस्फाइड रह गया, अनक्वेंस्ड रह गया, उसके लिए दुनिया में मनुष्य को बार बार आना पड़ेगा। वही जो मिनिमम दैट आयोटा ऑफ रिएक्शन उसी को कहते हैं भाव। आप कह सकते हो कि इस तरह का भी तो थॉट वेव्स हो सकता है जो फिजिकल बॉडी से डायरेक्टली संपर्कित नहीं है। कब के साधना कर रहे हो, अच्छे साधक हो, मन में भावना है साधना करेंगे तो बस यहां से अमेरिका मन चला जाएगा, तुरंत देख लेंगे कौन क्या कर रहा है, अच्छा हमारे बॉस वहां क्या कर रहे हैं, अच्छा हम यही करेंगे वही करेंगे, बैठ के सोच रहे हो। अच्छा ये आइडियल थिंकिंग जो है ये भी आइडियल नहीं है, अर्थात ये प्योर मेंटल प्लेन में रह गया। कोई सोच रहा है कि साधना करेंगे तो कंठ पर कंट्रोल आ जाएगा, ए ग्रेड के गवैया बन जाएंगे, तो ये तो निर्दोष है। निर्दोष होने पर भी ये तो इसका भी तो रिएक्शन होगा जी, इसका भी तो रिफ्लेक्शन होगा जी।
कोई निर्दोष तरंगे जो है जिसके लिए पूरा फिजिकल प्लेन में नहीं भी आने से काम चलता है, वहां चार या तीन या दो या एक प्लेन में एक फैक्टर के साथ संबंधित होना पड़ता है, और उसी को कहते हैं देव ज्योनि। वो अपना संस्कार का क्षय हो जाएगा तो दोबारा मनुष्य के शरीर में फिर से आ जाएंगे, इसी को देव ज्योनि कहते हैं। जो जहां कोई अच्छी बातें हो रही है तो इनविजिबल बॉडी में भी वो आ जाते हैं, भूत उत नहीं है। तो हाँ, वो भी भव से संपर्कित है, क्यों ना फिजिकल प्लेन तो है, वो हो सकता है इनविजिबल। तो मनुष्य की साधना है किस वास्ते, ना भव से मुक्ति के लिए। काम जो करेंगे स्ट्रेट काम करेंगे, क्लियर कट करेंगे, उसमें किसी भी प्रकार की एम्बिग्विटी नहीं रखेंगे, भीतर एक बाहर एक नहीं रखेंगे, सीधा काम करते रहेंगे, किसी से दुश्मनी नहीं करेंगे, जो दुश्मन है उसके खिलाफ उचित प्रबंध करेंगे, उचित संग्राम करेंगे, जो कसूरवार नहीं है उसको परेशान करने के समय करने के लिए एक सेकंड टाइम भी मिसयूज नहीं करेंगे। यही है आदर्श मनुष्य का जीवन। तो भव से बचने का उपाय क्या है? भव से बचने का उपाय है क्या ना, दुनियावी कर्म करते वक्त परमात्मा का नाम स्मरण करो, परमात्मा का कर्म समझ कर कर्म करो, और आध्यात्मिक साधना जब कर रहे हो उस कर्म फल को परमात्मा को दे दो। यही है बुद्धिमान का काम। आध्यात्मिक साधना करते वक्त कर्म फल परमात्मा को दे दो, नहीं तो फल भोगने के लिए दोबारा आना पड़ेगा, भव के बस में चला जाना पड़ेगा। और दुनियावी काम तो मनुष्य को करना ही है। जो दुनियावी काम से दूर भागते हैं वो तो कापुरुष है। दुनियावी कर्म करते वक्त परमात्मा का कर्म समझ कर करो।